हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड आर्ट्स। आज के वीडियो में हम जो है कोरिजेंडम के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप ई टेंडर जो है पब्लिश किया है उसमें आपने कोई कोरिजेंडम डालना है तो किस तरह से डालना, तो इसी बारे में आज हम सारे कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक कोरिजेंडम तैयार कर लेना वर्ड में, इस तरह से बनाकर जो भी जिस भी चीज़ का आपने कोरिजेंडम डालना है, मान लें कोई डेट चेंज करनी है या आपने टाइम चेंज करना है या टेक्निकल व्यू चेंज करनी है या फाइनेंशियल चेंज करनी है या कैंसिलेशन करना, तो जो अभी है आपको यहाँ पे अपना इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना जिसको कोरिजेंडम कहते हैं। तैयार करने के बाद आपको लॉगिन करना है ई टेंडर साइट पर। तो दोस्तों ये मैंने लॉगिन कर लिया है और अपना डिजिटल सिग्नेचर भी इसके अंदर कनेक्ट कर दिया है। सॉरी दोस्तों, ये जो इस क्रोम के अंदर ये साइट में यहाँ पे लॉगिन के लिए जो है उठाता नहीं है, लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता, ये कई बार प्रॉब्लम आती है, इसको ध्यान रखना। तो ये क्रोम में नहीं चलता है, तो आपको इसको लॉग आउट करके इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आप जाइए, वहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो दोस्तों ये लॉगिन होने लग रहा है, ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन का क्लिक वो बटन आ गया है। तो क्रोम के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, क्रोम में जब हम लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन का बटन यहाँ पे शो नहीं करता। तो आप ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हम अपना पिन डालेंगे, ये हमारा लॉगिन हो गया। अब हम अपना टेंडर देखना, जिस टेंडर के लिए हमें कोरिजेंडम क्रिएट करना। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट कोरिजेंडम के अंदर, यहाँ पे हम टेंडर आईडी डालेंगे। तो सबसे पहले हम टेंडर आईडी देख लेते हैं अपने किसी भी, जैसे कि मैंने ये पब्लिश किए हुए हैं तो मैं यहाँ पे ये टेंडर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। मैं कोई ये पुराने वाला ले लेता हूँ, नए वाला ना लेके उसके बाद क्रिएट कोरिजेंडम में जाता हूँ। यहाँ पे आईडी डालता हूँ टेंडर की और सर्च करता हूँ इसको। सर्च के बाद इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कोरिजेंडम के कि आपने किस टाइप का कोरिजेंडम बनाना है। सबसे पहले डेट के कोरिजेंडम, यानी आपने डेट चेंज करनी है या डेट एक्सटेंड करनी है आपने, तो आप यहाँ पे डेट वाले पे जाके आगे एडिट करोगे। इससे क्या होगा कि जब आप कोरिजेंडम को अपलोड कर दोगे, ये यहाँ पे आके आपको मांगेगा अपलोड, यहाँ पे आप टाइटल लिख दोगे, एक्सटेंड किया है जो भी किया है आपने, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक दो लाइन लिख दोगे और यहाँ पर आप कोरिजेंडम जो आपने जो वर्ड का जो ये बना रखा है, साइन सुइन वगैरह जो भी करा कर स्कैन करके और आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आप इसको स्कैन करोगे और सेव करोगे और यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, उसके बाद में पब्लिश कोरिजेंडम के अंदर चला जाएगा। पब्लिश कोरिजेंडम में जाने के बाद फिर से आप इसको ओपन करोगे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर डाल देता हूँ डेट चेंज एक्सटेंड डेट, इसमें भी लिख देता हूँ एक्सटेंड एक्सटेंडेड बाय कमेटी के द्वारा उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पे हमें अपना कोरिजेंडम डालूँगा, तो कोरिजेंडम को पहले हमने इसको वर्ड पीडीएफ में कर लेना है, तो मैंने पीडीएफ में किया नहीं है,
तुम एक बार देखता हूँ, शायद अगर वर्ल्ड का हो जाता है तो। इसमें एक तो ये वर्ड नहीं लेगा, इसके लिए पीडीएफ ही बनाना पड़ेगा, पीडीएफ में ही बनानी पड़ेगी। पीडीएफ में इसको स्कैन कर लेना आप एक बार, इमेज की जगह पे कोई और फाइल यहाँ पे एक बार अटैच करता हूँ। ये मैंने जिस तरह से अटैच कर दिया, इसको मैंने स्कैन कर दिया। ये कह रहा है कि प्लीज रिमूव द स्पेशल करेक्टर स्पेस फ्रॉम द फाइल नेम। फाइल नेम में कोई भी स्पेस या स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना आपको अपलोड करते वक्त। इसमें ये पिन मांगेगा, हमें पिन डाल देना है इसका। ये इसमें साइनिंग हो गया, इसको आप सेव करोगे यहाँ पे आ जाएगा। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार। थोड़ा सा वेरीफाई मांग रहा है, आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको इसको डाउनलोड करके चेक करके देखना है सिर्फ ये ठीक है कि नहीं है। तो मैंने इसमें गलत डाल रखा है, तो आप इस पे तो यहाँ पे चेक पे क्लिक करके सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट करोगे ये पब्लिश स्टैंडर्ड पे चला जाएगा। उसके बाद आपको इसको फिर से इस पे इस ऑप्शन में जाकर देखोगे, यहाँ पे आपको पड़ा हुआ मिलेगा, फिर उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट कर देते हैं, तो ये डेट के बटन को जो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा, आप यहाँ पर डेट चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगा नहीं, मैं ये वापस चला जाता हूँ। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने एक ओरिजिनल डाला है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो फीस के लिए इसमें कोलिजेंडम डालोगे तो ये फीस वाले ऑप्शन को आपके पास शो कर देगा, वहाँ पे आप ईएमडी वगैरह चेंज करना चाहो कर सकते हो। इसी तरह टेक्निकल, अगर आपने कोलिजेंडम डालना है तो इसको सिलेक्ट करोगे तो टेक्निकल वाले पार्ट को आपके सामने शो करेगा, वहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो। इसी तरह से फाइनेंशियल वाले पे करोगे तो फाइनेंशियल बिल जहाँ पे आपने अपलोड कर रखी है बीओक्यू फाइल, उस पार्ट को आपको ये दिखाएगा और उसमें आप अपनी बीओक्यू को डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हो। कैंसिलेशन में जाके ये सीधा ही आपको कैंसिल में चला जाएगा, कैंसिल कर देगा उसको टेंडर को, और जो भी ईएमडी जिसने भी डाल दिया उसकी ईएमडी रिफंड हो जाएगी। इसी तरह से रिटेंडर, रिटेंडर और कैंसिल दोनों एक जैसे हैं, सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आप रिटेंडर कर सकते हो। अदर कोई जिंडम में अदर इससे रिलेटेड कोई अदर टेक्निकल आपने कोई चीज़ डालनी है, जैसे मान लिया आपने इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी, ना डेट चेंज करना है, ना फीस के बारे में कुछ चेंज करनी है। मान लिया आपने कोई ये बताना है किसी को कि भाई हमने जो एक्स्ट्रा जो है कंडीशन उसमें ऐड की है, तो उसको हम इसमें अदर में डाल सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक कंडीशन इसमें अलग से बनाई हुई है, तो ये उसके हम जो हमने टेंडर टर्म एंड कंडीशन डाली थी उसके अंदर नहीं थी, तो हमने ये अलग से लिख दिया इसके अंदर, तो हमने ये पब्लिश कर दिया, तो अदर्स के अंदर आ जाते हैं इस तरह के कोई। तो दोस्तों आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का कुछ समझना है तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के चैनल में इतने।